को जवाब देना चाहिए, वो क्यों आया है, किसके कहने पे आया है? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डिपार्टमेंट हाय हाय, डिपार्टमेंट हाय हाय, विपिन भगत हाय हाय। दीपक जी, सवाल आपसे करना चाहेंगे कि दीपारी वर्ग अगर टेडर जेल वार्ड के एसोसिएशन की बात करें, हमेशा प्रशासन और सरकार का साथ दिया है, चाहे कोरोना काल की बात करें या कोई भी आपदा हो, पर आपने हमेशा साथ दिया, तो आज आपके साथ इस तरह का व्यवहार क्या करेंगे? हमने प्रशासन का साथ नहीं दिया, हमने एक जम्मू के हर एक नागरिक का साथ दिया, जब वो दुखी थे हम उनके साथ हैं, हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हैं, ये पुलिस वाले बैठे हैं, हमने कई सिलेंडर इनको दिए हैं, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन लियो पहले, नहीं नहीं ये बड़े सारे सारे विपिन भगत जी आए, वो जबरदस्ती पुलिस के साथ आए, एक मिनट जबर नहीं, मैं आपका नहीं दोष कह रहा हूँ, लेकिन दोष ये है, मैंने उस अफसर को पूछा, मैं पुलिस का कोई दोष नहीं कह रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है, आपको डीसी एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी ये वेरो तोड़ दो, आपने तोड़ देना, नहीं तोड़ने वाला कोई नहीं, मेरा ये मेरी आपसे मैम विनम्र प्रार्थना है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, ये व्यापारियों की इज्जत का सवाल है। देखो विपिन भगत नहीं, मैं पुलिस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस अफसर के खिलाफ हूँ, मैं खुद मौके पर पहुंचा, मैंने नहीं मैडम नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को पहले बुलाओ, वो इधर बैठ के बात करेंगे, नहीं नहीं जब तक एडमिशन मैम आपका कोई रोल ही नहीं है, मैं आप बोलो मैं अभी चले जाता हूँ, आपका कोई रोल नहीं है, ये रोज देरी का यही नहीं, ये रोज का यही ड्रामा करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाओ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, नहीं मैम मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे को डंडे से उठा सकते हैं, मैं ऐसे नहीं उठूंगा, नहीं मैं ऐसे नहीं उठूंगा, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिंदाबाद आप एडमिनिस्ट्रेशन आज जो है विपिन भगत जी जबरदस्ती हमारी दुकान पे पहुंचे, व्यापारियों की दुकान पे, और उन्होंने जबरदस्ती पूरा हल्ला बोल दिया और माल को नीचे किया, और मैं जब मौके पे पहुंचा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप बताओ कोई कंप्लेंट है, मैं उस दुकानदार के पास जाने के लिए तैयार हूं, और उसने मेरी बात भी सुनी और बोला मैं पूरे वेयरहाउस की चेकिंग करूंगा, और हमको धमकी देने लगा, और जब व्यापारियों की शान की बात है आन की बात है हम नहीं बख्शेंगे। आप यहाँ के प्रधान है, मैं अभी एक घंटे के अंदर हम पुल बंद कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, आज हमारा एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ शुरू हो गया है, कौन से डिपार्टमेंट से है? वो FCI डिपार्टमेंट के है, और जबरन उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, देखो मैं पुलिस का कोई इसमें कसूर नहीं मानता, लेकिन मैं डिपार्टमेंट का कसूर मानता हूँ, उन्होंने जबरदस्ती हमारे साथ की है, हमारे व्यापारियों की इज्जत पे हाथ डाला है, मैं कभी नहीं बख्शूंगा, और कई अफसर भी आते हैं, हम बिल्कुल 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 हम उनसे कोऑपरेट करते हैं, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट आता है मैं उनसे कोऑपरेट करता हूँ, सेल टैक्स डिपार्टमेंट आता है उनसे कोऑपरेट करता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है उनसे कोऑपरेट करता हूँ, सी फार्म वाले आते हैं, एफ फार्म वाले आते हैं, ये पुलिस भाई साहब आते हैं, हम सबसे कोऑपरेट करते हैं, हम जम्मू के कानून के खिलाफ नहीं है, हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन जब इज्जत की बात आएगी उस समय मैं व्यापारियों की आन शान के साथ करूं। आज देख लो 600 दुकानदार पूरा व्यापारी इधर खड़ा है, एक घंटे के अंदर हम पुल जो है बंद करने जा रहे हैं, सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार है, व्यापारी एक उसको विपिन भगत को सस्पेंड किया जाए, व्यापारी एक तो व्यापारी एक तो व्यापारी एक तो व्यापारी एक तो व्यक्ति नहीं है, खड़ा हुआ गिरे वाला खड़ा नहीं है, इतना मांगू।
Thank you.